सभी भाइयों को जय हिंद और वंदे मातरम। आज का जो वीडियो है अपने सीलिंग फैन को रिवाइंड करना बताऊंगा मैं आपको, कैसे इसको रिपेयर करना है, कैसे आपको इसका समझना प्रोसेस हुआ, आपको टिप समझाने वाला हूं। सभी दोस्त इस वीडियो को कंप्लीट देख लें, चलो इस रिवाइंडिंग का प्रोसेस समझते हैं। अपने घर पे भी है जो बहुत से जो सीलिंग फैन होते हैं, कई बार जो चलते चलते बंद हो जाते हैं, उनका रीजन मैं पता नहीं चल पाता है। कई बार जो क्या होती है कि जो एक कोयल जाती है, कई बार दो जाती है और तीन तक, तो क्या यदि ये जो एक दो कोयल को काट दिया जाता है और डायरेक्ट कनेक्शन कर देने पर क्या पंखा चलेगा या नहीं चलेगा, क्या इसका प्रोसेस रहेगा या नहीं रहेगा, डायरेक्ट करने से क्या जो पंखा जलेगा क्या रहेगा, इसका मैटर मैं आपको समझा देता हूँ। चलो आपको लाइव डेमो बताने वाला हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या करना ज़्यादा बेटर है क्या नहीं करना, ठीक है। चलो इस वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। ओके भाई लोग, अभी जो आपके सामने जो सीलिंग फैन पड़ा है इसमें देखो मैंने जो यहाँ पे कोयल एक जली हुई थी उसको कट कर दिया मैंने। इसके बाद में ये जो स्टेप खाली रह गया है, देखो दो ऑप्शन है आपके पास में, या तो इसको जो इस वो एक कोयल का वायर निकाल दो और जिसका निकाल कर डायरेक्ट आप कनेक्शन करके ये जो आप फैन चल जाएगा। यदि आप ये नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट आपको क्या करना है कि एक कोयल बनानी है, 365 है 340 है जो भी टर्न है वो आपको इसमें सेट करने हैं, गोले बना के इस जो कोयल को इसी जगह फिट कर देना है तो भी फैन आपका चल जाएगा, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीके हैं जिसमें आपको जो कस्टमर को टाइम भी नहीं लगेगा और आपका जो पैसा भी ये बन जाएगा और आपका जो इतना खर्चा भी नहीं आएगा, तो यानी जो एक पैसे कमाने का बहुत अच्छा जरिया है। बाकी आप मेहनत करोगे तो वो ज़्यादा बेटर है। बाकी ये जो देखो जलने के चांसेस क्या होते हैं कि जो कई बार ज़्यादा करंट आ गया, ओवरलोड हो गई गाड़ी, या जो जब ज़्यादा पावर आने के कारण जो शॉर्ट सर्किट हो जाता है और ये कई बार कोयले जल जाती है, तो ऐसी कोयलें बहुत कम चांसेस पर होती हैं कि पूरी कोयल जले। कई बार जो एक कोयल जल जाती है, दो जल जाती हैं, तो आपको हम डायरेक्ट करके भी कनेक्शन करके चला सकते हैं पंखे को। ऐसे नहीं कि जो पूरी जो कोयले बांधनी पड़ेगी, सारा पंखा को बांधना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कई चांसेस पे होते हैं कि जो ये कोयल जल गई, अब ये भी जल गई, ये भी जल गई, तो वो पंखा बंधेगा, ठीक है। तीन चार जगह जली हुई और शॉर्ट प्रॉब्लम आ रही, तो ये शायद 100% पंखा बंधने वाला ही है। और दूसरी चीज़, इसमें आप यदि शॉर्टकट अपनाते हो तब भी जो पंखा चलेगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं चलेगा, पंखा चलेगा, लेकिन हो सकता है कि आपकी एक कोयल, दो कोयल, तीन कोयल आपकी जली हुई और डायरेक्ट आप कनेक्शन कर रहे हो, तो हो सकता है कि वो एक महीने दो महीने बाद जल जाए या जो एक दो महीने बाद कुछ और प्रॉब्लम आ जाए और इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो यदि आप तीन चार कोयलों को एक साथ जो कनेक्ट करके भी छोड़ रहे हो, यहाँ से मान लीजिए आपकी एक कोयल और यहाँ से आप डायरेक्ट कनेक्शन कर रहे हो, तो ये चार पांच कोयल जो बीच में गैप छोड़ गया है, तो आपकी जो पंखे की स्पीड है वो थोड़ी कम पड़ जाएगी, यानी स्लो चलने लग जाएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, पंखा चलेगा, वैसे ही चल रहा है जैसे जो पहले चलता था, बट थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी। यदि आपकी दो तीन कोयल भी जली हुई है तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट कनेक्शन कर दो और कनेक्शन ऊपर ले लो और ज्वाइंट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये एक बेसिक और मैंने जो अभी तक अपनाया है ये शायद आपके लिए भी यूजफुल हो सकता है, तो आप सही से इसको फॉलो करो। गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो मैंने ये चीज़ें जो सब देखी हैं तो आपको भी शायद अच्छा बेनिफिट मिलेगा। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, अगले बार जय हिंद वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। अपने भाइयों के साथ जरूर शेयर कर देना और जो भी आप बंदे मिस्त्री हैं, जो भी हैं भाई, वो ज़रूर कमेंट करना कि जो हम उस इलेक्ट्रिकल का नाम है या जो हमारे जो इलेक्ट्रिकल का नाम है वो नाम है, तो आप ज़रूर अपनी शॉप का नाम जरूर एंटर करके जाना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।